गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने पिछले सेशन में यही किया था, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रांसमिशन मोड। आज मैं डील करने वाला हूं क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है EIS SM के सब्जेक्ट में। क्लाउड कंप्यूटिंग को हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में भी आएंगे, जो बुक करता है, जो मॉड्यूल बोलता है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग चीज क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट क्या है। नॉर्मल हम समझने की कोशिश करते हैं, क्लाउड का मतलब बादल, सिंपल बादल, जो आसमान में, आकाश में जो बादल दिखाई देता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अगले का मेन सर्विस क्या है, किस टाइप का सर्विस बादल प्रोवाइड करता है, बारिश, बारिश प्रोवाइड करता है, वो वर्षा की जल को हम लोग संग्रहित करते हैं, वही बारिश की जो बूंदे, जो जल है, जो भूमिगत के रूप में फिर हम लोग उसका उपयोग करते हैं। समझने की कोशिश कर, जिस सर्विसेज को, जिस जल का उपयोग हम लोग करते हैं, वो जल को प्रोवाइड करने का एक मीडियम बादल है जो प्रोवाइड करता है। तो क्या ये बादल मेरा अपना है, मेरे घर में है, मेरा खुद का है, मेरे पास है? नहीं, बादल कहां है? मेरे से बहुत दूर है, आकाश में। लेकिन उसके सर्विसेज को हम लोग यहां पे बैठ करके उसके सर्विसेज का उपयोग करते हैं, उसके जल का उपयोग करते हैं। सेम चीज, अगर एक ऐसा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसमें सर्विस प्रोवाइडर आर फार अवे फ्रॉम मी, सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे वो मेरे से बहुत दूर होंगे, किसी और अदर लोकेशन में बैठे हुए होंगे, लेकिन उनकी सर्विसेज को हम लोग कहीं से भी रिसीव कर सके, एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, देन इस कंसेप्ट को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। यहां पे एक एलिमेंट छूटा है और वो चीज है कि कहीं से भी सर्विस रिसीव करने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना नेसेसरी, थ्रू इंटरनेट। अगर मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस प्रोवाइडर के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब हमको कनेक्ट होने के लिए, सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है। समझने के लिए बोलो, वो किस लैंग्वेज की बात करें, टेक्निकल शब्दों की बात, टेक्निकल वर्ड्स की बात करें, तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बोलेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर बहुत दूर कहीं और होते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज का उपयोग हम लोग वर्ल्ड के किसी, दुनिया के किसी भी कोने से उनके सर्विसेज का उपयोग कर सकेंगे थ्रू इंटरनेट। देन इस कंसेप्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग बोलेंगे। बुक की, अगर हम बुक की भाषा में बात करें तो कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, इट इज एन इमर्सिंग टेक्नोलॉजी वेयर a service provider are far away from me and their services are received from anywhere in the world through internet। ये तो क्लाउड का कंसेप्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट। देन क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो देखेंगे हम लोग कि क्लाउड कंप्यूटिंग चार प्रकार के होते हैं। देख वे
क्लाउड कंप्यूटिंग चार प्रकार के होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। समझने की कोशिश करें, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो स्पेशली डिजाइन होता है, स्पेशली डिजाइन किए हुए होते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देयर ओन एम्प्लॉय। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, केवल वही लोग उस सर्विसेज को रिसीव कर सकते हैं, उसके सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज का उपयोग नहीं कर सकेंगे, तो वैसे कंसेप्ट को कहेंगे प्राइवेट क्लाउड। ऐसे समझ, प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइडेड होता है जिसमें क्लाउड सर्विसेज का उपयोग केवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय करें, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लोग करें। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा हो, तो वैसे कंसेप्ट हम लोग प्राइवेट क्लाउड के नाम से जाने। लेकिन कुछ क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी होते हैं जो जन सामान्य के लिए होता है। कोई भी पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन रिट्रीव देयर सर्विसेज, रिट्रीव देयर क्लाउड सर्विसेज एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। कहीं से भी लोग उसके सर्विसेज को, उसके प्रोवाइडेड सर्विसेज को उपयोग कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, जिसमें कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया गया है कि ये खास प्रकार के लोग ही इसके सर्विसेज का उपयोग कर सकते, बाकी कोई नहीं। ऐसा कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं है, कोई भी पर्सन उसके सर्विसेज का उपयोग कर सकता हो, तो उसको हम लोग पब्लिक क्लाउड के नाम से जानते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करता हो और किसी भी पर्सन के लिए, वर्ल्ड के किसी भी इंसान के लिए, कोई भी पर्सन इसके सर्विसेज को उपयोग कर सकता हो, तो वैसे कंसेप्ट को हम लोग पब्लिक क्लाउड के नाम से जानते हैं। अब कुछ वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो जिनका खास नेचर उनके सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए डिजाइन किया गया हो। मतलब ये कि क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा जो अपने एम्प्लॉई के बेनिफिट्स के लिए भी डिजाइन करके रखा गया है कि यहाँ के एम्प्लॉई मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉई सर्विसेज को क्लाउड सर्विसेज का यूज कर सके, एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी मेरे सर्विसेज का उपयोग कर सके। देन वैसे कंसेप्ट को बोलेंगे हाइब्रिड। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड क्लाउड का जो कंसेप्ट होगा वो मेरा प्राइवेट प्लस पब्लिक क्लाउड दोनों का कंसेप्ट है। प्राइवेट क्लाउड मतलब एक ऐसा क्लाउड सर्विसेज, एक ऐसा क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सर्विसेज को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देयर ओन एम्प्लॉई के लिए कर रखा हो, एंड their services are also used, retrieved by the outside the organization also. तो अगर ये दोनों टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है, दोनों कॉम्बिनेशन से दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके रखा गया है सर्विसेज को, तो हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड क्लाउड।
और लास्ट है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो एक खास लेवल, एक खास कम्युनिटी के लिए बेस्ड हो, जो एक सर्टेन कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो पर्सन उस कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे केवल वही लोग इस कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स का, इसके सर्विसेज का उपयोग कर सकेंगे। और जो इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करेंगे वो इसके सर्विसेज का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो वैसे कंसेप्ट को कम्युनिटी क्लाउड कहेंगे। हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग चार प्रकार के होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। Private, only for the benefits of their own employee, not the outside. Public cloud, for the benefits of the anyone, for the benefits of anyone in the world. कोई भी वर्ल्ड के कोई भी पर्सन इसके साथ कनेक्ट हो करके इसके सर्विसेज का उपयोग कर सकेंगे। Hybrid cloud, it is a combination of public cloud and private cloud. It means that some benefits, some services are provided specifically by their own employees, and some services are provided for the outside the organization, for the anyone of the world. Then this concept is known as hybrid cloud. And the last one is community cloud. It means that this type of a cloud computing services are specifically designed by a specific level of community, specific community for the specifically designed for the benefits of a specific community. Those person who are belongs to this community can retrieve their services, and the rest are or those person who doesn't belongs to that particular community cannot retrieve the services of the cloud computing. Then this type of a cloud services, cloud computing services are known as community cloud. अगर आपको फिर से कहीं से डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, तो आप मुझे लिखे संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेशन, मेरे क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है।